नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और हम पिछली वीडियो में सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे। सीक्वेंस हमने पढ़ा, सीक्वेंस को जाना कि सीक्वेंस होता क्या है। यहाँ पर सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, सीक्वेंस अनबाउंडेड कब होती है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, इन सबको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। दिस टाइम हमें पढ़ना तो सीक्वेंस के बारे में ही है, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है, ऑसिलेटरी कब सीक्वेंस कहलाएगी, ये पढ़ेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाती है। कोई भी सीक्वेंस SN है वो आपकी कन्वर्ज कहलाएगी। द सीक्वेंस SN इज सेट टू बी कन्वर्ज टू ए फिक्स्ड नंबर L, दिस इज L, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स कोई भी एक एप्सिलॉन लें। दोस्तों, एप्सिलॉन जो होता है वो बहुत छोटा है बट पॉजिटिव है। एप्सिलॉन बहुत छोटा है बट पॉजिटिव है, उसके बारे में बात करें। देर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है m, वो एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर। किस तरीके से, कि जो sn माइनस l का डिफरेंस, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, का मॉड जो एप्सिलॉन हमने डिफाइन किया था बहुत छोटा, उससे भी कम है। इसका मतलब SN और L अप्रोच कर रहे हैं आपस में, नज़दीक में, बहुत बहुत ही क्लोज हैं वो वैल्यूज़। तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर M, वहाँ पर M एक ऐसा है, यहाँ भी देख सकते हैं कि जितने भी SN हैं, मतलब जो टर्म्स हैं, हो सकती हैं वो चार के बाद आए, S4 हो, S5 हो, S6 हो, उससे ऑनवर्ड्स जो भी हैं, उनका डिफरेंस जो हम ले रहे हैं वो एप्सिलॉन से कम है। तो ऐसे में जो SN टर्न करेगी, जो कन्वर्ज करेगी, वो एक वैल्यू L पर करेगी। मैं दोबारा एक शब्द हम बता रहा हूँ, हो सकता है आपसे स्किप हुआ हो, आपको समझ ना आ रहा हो। हम ये कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर M है, सपोज वो 5 है, एक सीक्वेंस लिया हमने और उसमें S5 की बात करते हैं। तो S5, S6, S7 या उससे और आगे बढ़ते चले जाएँ हम, उनका डिफरेंस L के साथ लें, उनका मॉड जो होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू जो एप्सिलॉन हमने बहुत छोटी वैल्यू बताई है उससे भी कम है। दैट मीन्स दे आर वेरी क्लोजर। तो ऐसे में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ SN एज N अप्रोचेज टू इन्फाइनाइटी, बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, इससे बड़ा M से M+1 M+2 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी वैल्यू L पर टर्न करती है, वो कन्वर्ज करती है उधर वैल्यू। इस L को हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं, इफ़ ए सीक्वेंस SN ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, एक बार ध्यान भी दे रखिएगा, यहाँ पर हमने SN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बताया, ये जो नंबर L है ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस जरूर कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट N टेंडिंग टू इन्फाइनिटी SN इज इक्वल टू L। एक बात यहाँ पर यह है कि यदि सीक्वेंस में आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आए हुए हैं, अ सीक्वेंस SN of non-negative numbers, then the limit n tending to infinity SN is equal to जो value आएगी वो L तो होगी, लेकिन वो L कैसा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, means वो non-negative ही होगा। इससे एक हमारा summary निकलता है। summary ये है कि यदि sequence है non-negative numbers की, तो उसकी जो लिमिट वैल्यू आने वाली है, जो उसकी लिमिट कहलाएगी, वो आपकी नॉन नेगेटिव ही होगी, या तो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। ये एक फैक्ट है। और दूसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है, एक से ज़्यादा लिमिट कभी नहीं होती। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी हमने देखा कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं वो सब बाउंडेड होती हैं। दैट मीन्स वहाँ पर बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा, अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स यदि बाउंडेड सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। -1 to the power n, ये -1 और 1 देता है, ये वैल्यूज़ हैं, ये आपकी बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा एक मिनट का मैं आपसे टाइम मांगता हूँ कि इस टाइम बताना सही नहीं है, पहले हम डाइवर्जेंट को सीख लें, तब हम बताएंगे कि ये इसका जो मैंने लिखा है रिमार्क कि कन्वर्ज ट्रू नहीं है, उसका वेट करते हैं। आइए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस SN डाइवर्ज होगी प्लस इन, डाइवर्ज आप वर्ड भी जानते हैं, डाइवर्ज करेगी इन्फाइनाइटी की तरफ। कब, जब एक के बहुत बड़ा, के बहुत बड़ी वैल्यू है, के विच इज़ पॉजिटिव, वो के है, बहुत बड़ी वैल्यू है के,
उसके लिए कोई भी एक एम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, वहीं से इनपुट में से, नेचुरल नंबर्स में से। किस तरीके से कि जो SN है, SN मीन्स जो टर्म्स है, उसमें nth टर्म्स है, जो nth टर्म है वो k से बड़ी है, मतलब वो बहुत बड़ा था लेकिन उससे भी बड़ा, उससे बड़े बियॉन्ड क्या हो सकता है, वो इन्फाइनिटी की तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा, डाइवर्ज करेगा ऐसे केस में वो इन्फाइनिटी की तरफ को। इसका उल्टा एक और हो सकता है, डाइवर्ज टू माइनस इन्फाइनिटी, उसके लिए क्या लेंगे, के नेगेटिव लेंगे और बहुत छोटा लेंगे SN, यहाँ पर के आपने नेगेटिव लेंगे, हाउवर विद दैट इज़ वेरी स्मॉल, एंड देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट SN लेस देन के, मीन्स वहाँ पर वो केस जो के लिया छोटा उससे भी कम होता चला जा रहा है, तो ऐसे में वो माइनस इन्फाइनिटी की तरफ को डाइवर्ज करेगा। तो ये प्लस इन्फाइनिटी की तरफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, उधर जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमने के नेगेटिव लिया और ये SN जो होगा वो उससे भी कम होगा, तो ऐसे में वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फाइनिटी की तरफ को, और इस केस में डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फाइनिटी की तरफ को। दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं इन एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो शायद बहुत जल्दी से आप समझ सकते हो, इतना माइंड मुझे शायद ऐसा यूज नहीं करना पड़ेगा। तो 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3, 4 ये सब है, आप देखें तो 3 to the power n है, ये डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फाइनिटी की तरफ को। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3, 4, 3, ये कहाँ जाके रुकेगा, प्लस इन्फाइनिटी की तरफ को। इनका क्या रोल है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लो, के को कुछ भी ले लो, जो आपका मन करे उसमें से ले सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो SN होगा वो के से भी बियॉन्ड, मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो के आप जितना भी बड़ा ले सकते हो उससे बड़ा, मीन्स इन्फाइनिटी, प्लस इन्फाइनिटी। दोस्तों दूसरा एग्जांपल उसी का उल्टा है, अब हमने लिया -2, -4, -6, -8 and -2n, तो डाइवर्ज किधर करेगी, माइनस इन्फाइनिटी की तरफ को। आपको वैसे भी दिख रहा है कि इट इज़ टर्निंग टू द माइनस इन्फाइनिटी। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल मैंने डाइवर्जेंट सीरीज के सीक्वेंस के लिए हैं, जो कि एक प्लस इन्फाइनिटी की तरफ डाइवर्ज हो रहा है और दूसरा माइनस इन्फाइनिटी की तरफ को। होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखते हैं तीसरी सीक्वेंस होती है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी वो ऑसिलेट कर रही है, ना तो वो डाइवर्जेंट है ना ही वो कन्वर्जेंट है। ऐसे में आपके लिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा था कि -1 to the power n, यहाँ भी लिखा है मैंने -1 to the power n। इसके यदि देखें रेंज सेट तो -1 होगा और +1 होगा, कभी -1 आ जा रहा है, कभी +1, -1, +1, तो ऑसिलेट हो रही है वैल्यूज़। तो ऐसी सीक्वेंस को जो कन्वर्जेंट ना हो ना ही डाइवर्जेंट हो, वो आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। दोस्तों देखिए ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस बाउंडेड है, मैं फिर उस रिमार्क पर आता हूँ कि बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं है। आप देख रहे हैं ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, बाउंडेड है बट कन्वर्ज नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया। तो ये एक दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, -1 to the power n into n, ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है किसका, ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनिटी SN इक्वल्स 12, मीन्स वहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर m है जिसके लिए जो टर्म्स हैं n ग्रेटर इक्वल टू m, उसके लिए SN माइनस L का जो डिफरेंस, SN माइनस L, मॉड ऑफ SN माइनस L, मॉड क्यों ले रहे हैं हम, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन बहुत छोटा डिफाइन करा उससे भी कम है, इसका मतलब वो क्लोजर है, वेरी मच क्लोजर है। इस वजह से हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनिटी SN इक्वल्स टू L। सो होप आपको ये बात समझ आई होगी। कुछ रिमार्क्स लिखें, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बताया और ऑसिलेटरी सीक्वेंस बताया। आते हैं अब हम कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स में। पिछली वीडियो में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी कब होती है, और प्रॉब्लम्स, बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमें लेनी थी, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए, उनसे हमारी और कंसेप्ट क्लियर होगी, वो विज़न क्लियर हो जाएगा उसके बारे में प्रॉब्लम्स के। तो मैं यहाँ से ये सब क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये अब रिक्वायर्ड नहीं है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज शो दैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस SN इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 3 इज 2। इसमें ये कहा गया है कि SN जो हमें गिवन है, SN इज 2n ओवर n प्लस 3, इसको इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है और लिमिटिंग वैल्यू शो करनी है वो है होनी चाहिए 2। देखते हैं, सो दिस इज पेन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी SN, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी 2n ओवर n प्लस 3। तो हमें लिमिट वैल्यू निकालनी है जब n अप्रोच कर रहा है इन्फाइनाइटी की तरफ को। दोस्तों जब कभी भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ऐसे में हमें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से n की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी 2 कॉमन ले, यहाँ से n कॉमन लिया तो दिस इज 2, और यहाँ से भी हमने n कॉमन ले लिया
दिस इज 1 + 3/n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनिटी 2/1 + 3/n, यदि हम n को अप्रोच कराएं इन्फाइनिटी पर तो 3/1 + 3/∞, ये 2/1 + 3/∞ होता है 0 एंड 2/1 gives 2, तो आपकी जो वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनिटी sn था वो 2 आ गया, और शायद हमको यही प्रूव करना था। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो वैल्यू हमने 2 लाए। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, उन सभी में ऐसा होना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिससे आपको दिक्कत कुछ ना आए। तो होप आपने ये सब साथ के साथ आप लिख भी रहे होंगे, यदि जब कभी भी मेरी वीडियो देखें आप तो आप अपना पेन और पेपर जरूर लेके बैठें जिससे कि आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहें, वो आपके लिए मोर इफेक्टिव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दिस इज Sn equals to root of n plus 1 minus under root n। दोस्तों जब कभी भी अंडर रूट में टर्म आए तो उसका रेशनलाइजेशन जरूर करना चाहिए, विदाउट रेशनलाइजेशन हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले Sn अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n है, तो इसका से रेशनलाइजेशन यदि आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, यदि नेगेटिव साइन है तो इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा। दिस इज यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ली। अब देखिए न्यूमरेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो अंडर रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट n होल स्क्वायर ओवर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n। तो ये क्या आएगा आपका, n प्लस 1 होल स्क्वायर रूट है तो n प्लस 1 माइनस n ओवर अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू इज कमिंग 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। दोस्तों ये sn था बट हमें लिमिट निकालना है, सो n टेंस टू इन्फाइनिटी sn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फाइनिटी 1 ओवर अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी हमें इसे के लिए सॉल्व करना होगा तो हमें ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर n की कॉमन लेनी है, ऊपर तो है नहीं तो नीचे से ही लेनी होगी। लेते हैं अंडर रूट n, हमने यहाँ से भी यहाँ से आउटसाइड लिया, ये 1 + 1 ओवर n आया, यहाँ से हम कॉमन ले चुके अंडर रूट n, तो दिस इज 1 ओनली एंड हियर 1। देखिए अब आप n को अप्रोच कराते हैं इन्फाइनाइटी की तरफ, तो ये 1 था ये इन्फाइनाइटी, ये 1 + 0 इन 1/∞ 0, 1 + 1 जो भी हुआ हो ये 2, ये 1/∞ होगा, दिस इज 0। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे यहाँ पर एक बात और याद आती है, तीसरा क्वेश्चन तो हम सब सॉल्व करेंगे, मुझे एक कंसेप्ट और याद आ जाती है, चलो पहले मैं उसको बता देता हूँ। ये दो क्वेश्चन तो हमने ईजी वे में सॉल्व कर लिए। सो पहला मोनोटोनिक, आपने एक वर्ड सुना होगा मोनोटोनिक, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोनिक वर्ड जब यदि आया हुआ तो मोनोटोनिक सीक्वेंस एक हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड हियर इट कैन बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये हो सकता है। मैं एग्जांपल के वे से आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है। दोस्तों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में यदि हम बात करें तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये है, मैं कोई एक सीक्वेंस लेता हूँ Sn और कुछ ऐसे है, बहुत सिंपल सी इक्यू सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इस तरीके का है, तो ये मोनोटोनिक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक Sn और लेता हूँ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, ये भी मोनोटोनिक है। यहाँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें तो आप ऐसे ले लीजिए 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ इस टाइप से हो सकती है। यदि हम यहाँ पे देखें सीक्वेंस आपकी इन्फाइनाइट तक जाएगी तो वो डॉट आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हो। यहाँ पर यहाँ देखें तो ऐसे भी हो सकता है 7, 5, 5, 4, 3, 3,
2, 1 इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थी, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग थी। इसके लिए अब टेक्निकल टर्म बताता हूँ। टेक्निकल टर्म ये है कि कहीं भी जो SN प्लस वन है, ध्यान से देखिए अब, या फिर SN को ले सकते हो आप, पहले SN ले लीजिएगा कि SN जो होगा वो लेस और इक्वल SN प्लस वन होगा। मीन्स जो प्रीवियस टर्म है वो अगले वाली टर्म से छोटी है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर उसके इक्वल है। ये जो इक्वलिटी बता रही है, ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो वर्ड देखो, यदि लेस देन लेते सिर्फ तो ये चलता, यहाँ चल रहा है, लेकिन यदि इक्वल आया हुआ है तो दैट मीन्स वहाँ टर्म, दो टर्म इक्वल भी हो सकती है, कोई भी दो टर्म। तो इसके लिए SN लेस और इक्वल टू SN प्लस वन। और यहाँ पर आप देखें तो वो जो SN होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू SN प्लस वन, जो प्रीवियस वैल्यू है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपका मोनोटोनिक। इसमें ये तो बात रही मोनोटोनिक के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ना चाहता हूँ, वो है स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि आता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो SN है वो SN प्लस वन से कम होगा, इक्वल कभी नहीं होगा। और यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब SN ग्रेटर देन SN प्लस वन, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। यदि ऐसा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोस्तों एक बात आती है कि इनमें कोई संबंध है क्या इन दोनों में, तो आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ इनसे, वो इन कंक्लूजन ये है कि यदि कोई स्ट्रिक्ट सीक्वेंस है, चाहे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो मोनोटोन जरूर है। आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि यदि लेस देन है तो लेस देन इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जरूर होगी। लेकिन यदि कोई इक्वेशन सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो स्ट्रिक्टली हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके सामने आपके एग्जांपल ये मोनोटोनिक तो है बट स्ट्रिक्टली नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रिक्टली है बट मोनोटोनिकली है बट स्ट्रिक्टली नहीं है। तो ये बात मैंने मोनोटोनिक और इसके स्ट्रिक्ट के बारे में बताया। ये देखिएगा, यदि कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्जेंट जरूर होगी, ये एक फैक्ट है। ओके कोई बात नहीं, अभी हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं थर्ड प्रॉब्लम को लेना रहा था, इसको मैंने तब डिस्कस नहीं किया था, मैं अब डिस्कस करना चाह रहा हूं। आइए लेते हैं उसको, ये क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 को लेने से पहले एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, यदि आपको दिखाई पड़ रहा है तो देख लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर। ये कहता है कि यदि SN प्लस वन अपॉन SN, मतलब कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो L आता है, L कुछ भी, वो L नहीं, कुछ भी वैल्यू, K भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यदि ये वैल्यू आती है L और वो L वैल्यू का मॉड, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, वन या वन से कम है, तो ऐसे में जो लिमिट वैल्यू होगी SN की वो हमेशा जीरो होगी। मैं फिर से बोलता हूँ, यदि इनका रेशियो की अप्रोचिंग वैल्यू वन या वन से कम आती है तो ऐसे में हम बोलेंगे कि लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी SN जीरो होगा। ओके इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी का एग्जांपल है। 3 ये है कि SN इज गिवन n ओवर 2 टू द पावर n और हमें प्रूव करना है लिमिटिंग वैल्यू, वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN विल बी जीरो। दोस्तों ये SN प्लस 1 बताओगे आप क्या होगा, SN प्लस 1 होगा n प्लस 1 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1। अब हमें इनका रेशियो लेना है SN प्लस वन ओवर SN, तो ये n प्लस वन ओवर 2 टू दी आर n प्लस वन इंटू, अब अपॉन लेना है तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 टू दी पावर n अपॉन n, SN प्लस वन ये लिखा, अपॉन लिखा तो ये उल्टा हो गया। देखिए दोस्तों ये 2 टू दी आर n है और ये भी 2 टू दी आर n है, कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ 1 अपॉन 2 रह जाएगा और ये बचा n प्लस वन ओवर n। यहाँ से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि SN प्लस वन ओवर SN यदि है, यहाँ पर n की हाईएस्ट पावर हम कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमेटर से, ये ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट अप्रोच कराते हैं n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी पे SN प्लस वन ओवर SN के लिए, सो n टेंड्स टू इन्फाइनाइटी 1 प्लस वन अपॉन n, देखिए 1 प्लस वन ओवर इन्फाइनाइटी इट गिव ज़ीरो, तो कुछ मुझे लग रहा है कि गलत तो नहीं हो गया, नहीं मुझे यस, ये 1/2 भी साथ था तो यहाँ 1/2 ले लीजिएगा, ये भी साथ में 1/2 है दोस्तों, तो ये आया, तो क्या आया वैल्यू, ये 1/2 आ गया और 1/2 क्या है आपका, 1 से कम है, तो इस प्रॉपर्टी को
फॉलो करता है, देन ऐसे में हम कह सकते हैं बाई दिस रिजल्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनिटी द एस एन वैल्यू ऑफ एस एन दिस वन विल बी ज़ीरो। तो ये हमने इस रिजल्ट को यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाला है। ध्यान रखिएगा कि एक थ्योरम है, ये थ्योरम का प्रूफ हमें नहीं पढ़ना, हमें इन रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी एक क्वेश्चन और याद आ रहा है यहीं पर, इसी पर बेस्ड एक ऐसा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट इसे मैं थर्ड ए नाम दे दे रहा हूँ, दूसरे का नाम थर्ड बी दे दे रहा हूँ। वो थर्ड बी ये है कि एस एन जो अब की बार है वो एक्स टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, प्रूव यही करना है हमें, लिमिटिंग वैल्यू इसकी ज़ीरो होगी। तो पहले हम एस एन प्लस वन लेंगे, एस एन प्लस वन क्या होगा, मैं ये अब हटा देता हूँ यहाँ से, हम एस एन प्लस वन लेंगे तो एक्स टू एन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल एन प्लस वन, एस एन प्लस वन ओवर एस एन विल बी एक्स टू एन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू उल्टा होगा एन फैक्टोरियल ओवर एक्स टू एन, ये कैंसिल होके एक्स इंटू फैक्टोरियल एन, इसका आप रिजल्ट जानते हो, एन प्लस वन आउटसाइड लेंगे और यहाँ एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू इज कमिंग एक्स ओवर एन प्लस वन। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनिटी एस एन प्लस वन ओवर एस एन विल बी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनिटी दिस इज एक्स ओवर एन प्लस वन, और आप जानते हो कि ये जब इन्फाइनाइट रखा जाएगा तो एक्स ओवर इन्फाइनाइट विल गिव ज़ीरो, और ये ज़ीरो देखिए ये ज़ीरो भी वन से कम है। तो इससे पता चला कि यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, दिस इज नॉट एक्स, एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी एस एन प्लस वन ओवर एस एन कम्स लेस देन वन, लेस और इक्वल वन दिस वन, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी एस एन विल बी ज़ीरो बाय दिस रिजल्ट, हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन, ये तो डेफिनेशन थी, ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थर्ड का भी जो मैंने यहाँ नहीं लिखा था वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। देखिए, शो दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ई, मींस ये जो वैल्यूज़ हैं ये कन्वर्ज टू ई, ये कन्वर्ज टू ई, इसे देखना होगा ये कन्वर्ज कर रहा है ई पे या नहीं कर रहा, इसको देखेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन को पहले सबसे पहले निपटा देता हूँ, ये क्योंकि ये थोड़ी सा प्लेस भी हो जाएगा हमारे पास, ये अब रिजल्ट भी हम यूज़ कर चुके हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन एस एन इक्वल्स टू थ्री एन माइनस वन एन टू द पावर फोर माइनस एन ओवर एन स्क्वेयर प्लस टू एन क्यूब प्लस वन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट एस एन सॉरी एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एन की हाइएस्ट पावर हमें कॉमन लेनी है, तो यहाँ से लेंगे तो एन आएगा, यहाँ से लेंगे तो एन फोर, तो टोटल मिला के एन फाइव आया, ये क्या बनेगा थ्री माइनस वन ओवर एन, यहाँ से वन माइनस वन ओवर एन अपॉन एन फोर एन क्यूब, दिस इज यहाँ एन स्क्वायर आएगा कॉमन, यहाँ से एन क्यूब, तो टोटल मिला के एन फाइव हो गया, वन प्लस टू ओवर एन स्क्वायर एंड वन प्लस वन ओवर एन क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गए। यदि हम अप्रोच कराते हैं तो ये थ्री माइनस ज़ीरो, क्योंकि वन ओवर इन्फाइनाइट ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होगा, दिस इज़ वन प्लस ज़ीरो एंड वन प्लस ज़ीरो, तो ये थ्री इंटू वन ओवर वन, दिस इज कमिंग वैल्यू वन सॉरी थ्री। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर हमें देना था वो हमें देना था लिमिटिंग वैल्यू इसकी थ्री होगी, और हम वो ला चुके हैं। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन रहता है फोर्थ। इस फोर्थ क्वेश्चन में मैं ये क्लीन कर रहा हूँ जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा कहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एन प्लस ये ई है। आइए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। एस एन इज वन प्लस वन ओवर एन टू द पावर एन प्लस वन, ये आपको दे रखा है वन प्लस वन अपॉन एन टू द आर एन प्लस वन, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए दिस वन ये लिखा गया यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन, ये लिख दिया गया इंटू
वन प्लस वन ओवर एन, ये सही है, ये एस एन था। यदि हम अप्रोच कराएं एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी पर, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी वन प्लस वन ओवर एन टू द पावर एन एंड वन प्लस वन ओवर एन, ये वैल्यू। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये वैल्यू आपकी ई होती है। कैसे होती है मुझे अभी बताना है, कई तरीके हैं इसको ई बताने के, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसे कर सकते हैं, अदर तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं पहले इसे लिख दूं, सॉल्व कर दूं, मैं उधर बताऊंगा आपको कि कैसे ये ई है, बट यहां मैं बता रहा हूं आपको। तो वन प्लस ये जो वैल्यू वन अपॉन एन टू द एन इट इज ई इन टू ये वन और वन अपॉन इन्फाइनाइट जीरो, तो वन ई इन टू वन इट गिव्स ई, हमें यही कहा था। लेकिन हमें ये बताना है कि ये वैल्यू ई होती कैसे है, उसको आप सीखिएगा। आइए लेट करते हैं हम, लेट वाई इज वन प्लस वन ओवर एन टू द पावर एन। ये आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले लिमिट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म ये सब पढ़े थे, तो वहाँ का मैं अप्रोच यहाँ बताता हूँ। इसमें जब भी ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हम इसमें लॉग लेते हैं, तो ये होगा एन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। यदि हम इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी लॉग वाई इज इक्वल्स टू यहाँ भी एन अप्रोच कराएं इन्फाइनाइटी पर एन ऑफ लॉग वन प्लस वन ओवर एन, ये लेते हैं हम, तो ऐसे में यहाँ पर ये लॉग वाई रहने देते हैं ऐसे ही, एन अप्रोचेज कराएं इन्फाइनाइटी पर। देखिए ये जब हम रखेंगे तो इन्फाइनाइट और ये लॉग वन प्लस जीरो लॉग वन, इन्फाइनाइट इंटू ज़ीरो, ये जो इन्फाइनाइट इंटू ज़ीरो होता है ये आपकी फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट। तो इस इन्फाइनाइट बाई ज़ीरो को, इस इन्फाइनाइट इंटू ज़ीरो को हम या तो जीरो बाई ज़ीरो में या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट में चेंज करना चाहते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, आप देखिए हमने क्या किया, अब की बार इसे लिखा लॉग वन प्लस वन ओवर एन ओवर वन अपॉन एन। तब इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो बाई ज़ीरो बाई फॉर्म आ गई, और आप जानते हैं जब जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म होती है, मुझे ये क्लीन करना होगा यहाँ से, थोड़ा सा मुझे चाहिए जगह। जब ये वैल्यू आ गई आपकी लॉग वन प्लस वन ओवर एन एंड दिस वन, ये जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल के लिए लॉग का क्या होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमेटर का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसका क्या होगा वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस वन ओवर एन इज माइनस वन ओवर एन स्क्वायर, और इसका माइनस वन ओवर एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपकी वैल्यू जो ये आ रहा था लॉग वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन, यदि एन को अप्रोच कराते इन्फाइनाइटी की तरफ को तो ये वन आ गया, दिस इज एज एन अप्रोचेज टू इन्फाइनाइटी, और मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास, ये log y आपका 1 आ गया, तो y कितना होगा e टू द पावर 1, दिस इज e। तो दोस्तों जो हमने y लिया था वो ये था और y की वैल्यू हम ले आए e, तो मैंने यहाँ आपका सॉल्व कर दिया था। इसे इस एज ए रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आप मल्टीपल चॉइस आंसर के कहीं भी कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, कंपटीशन में यदि आप बैठे होंगे और वहाँ आपको सॉल्व करना है, तो ये सब चीज़ें बार बार इतना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए बेहतर है कि आपको ध्यान रहना चाहिए वन प्लस वन अपॉन एन टू देयर एन क्या होता है आपका n, यदि 2 आ जाता है यहाँ पर तो ई स्क्वायर होगा, मेरे से यहाँ मिस हो गया, इसकी वैल्यू आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये ई स्क्वायर होगी, इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कहीं मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ इसके लिए, आप सेकंड को ट्राई करेंगे खुद से, ये ध्यान रखिएगा इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसके लिए मैं हिंट ये दे सकता हूँ, जल्दी से आप सुनिएगा मेरा हिंट, वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन है, तो आप क्या करते हैं इतनी पावर जो ये है इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो यहाँ पावर एन प्लस वन होगा और अपॉन में इतना नीचे आ जाएगा। आपको पता है वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू द एन प्लस वन ई होगा और अपॉन में नीचे वही वन रह जाएगा, तो ई अपॉन वन विल गिव जीरो, वो ई अपॉन वन विल गिव ई, तो इसकी भी वैल्यू ई होगी, लेकिन इसकी वैल्यू ई स्क्वायर होगी, लेकिन ई स्क्वायर होगी कैसे, आइए उसको पढ़ लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को, होप आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, यदि नहीं होता है तो मैं एक वीडियो इस क्वेश्चन के लिए भी डिस्कस करने के लिए बना सकता हूं, लेकिन आप मुझे रिपोर्ट जरूर दें, बताएं जरूर कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, क्वेश्चन नंबर थ्री ये इसका है, ये कहता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी वन प्लस टू ओवर एन टू दी पावर एन, इसको हमें ई स्क्वायर दिखाना है, ई स्क्वायर होगा, ये तो मैं डिस्कस कर रहा था इसलिए बोल दिया कि ई स्क्वायर, बट वी डोंट नो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस वन। इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फाइनाइटी एन प्लस टू अपॉन एन, ये ऐसे लिया हमने टू दी पावर एन, मैं अब इसको बाद में ही अप्रोच कराऊंगा, बाद में, ये बार बार लिखना सही नहीं है, तो अब क्या करता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर
एन प्लस वन से मल्टीप्लाई और एन प्लस वन से डिवाइड हमने कर लिया। इसका करने का क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, देखिए इस एन प्लस टू को हम लिखते हैं एन प्लस वन प्लस वन, इसे नीचे लिखा ओवर एन प्लस वन, ये आ गया, और इसको लिखा इन टू एन प्लस वन ओवर एन। ये आप जब आप कैंसिल करेंगे तो वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये दिस इज इन टू, ये आएगा वन प्लस वन ओवर एन। और दोस्तों मत भूलिएगा ये वैल्यू टू दी पावर एन था और ये भी टू दी पावर एन है। अब यहाँ पर हम इसे हटाना पड़ेगा हमको, इसके लिए ये ले लेते हैं हम वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन टू दी पावर एन एंड वन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, आपने देखा होगा इसको अभी हमने ई लाया जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, और ये आपका सेकंड है, तो ये सेकंड यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप इसे भी देख रहे हैं तो आपका पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसके लिए हमें क्या करना है, एन प्लस वन टू दी पावर यदि एन है तो इतना ही लिया और इसमें इतनी वैल्यू को यहाँ रख लिया, दिस इज पावर वन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और ये वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन। दोस्तों यदि जैसे ही हम एन को अप्रोच कराएंगे इन्फाइनिटी पे, ये वैल्यू आपकी ई देगी, अभी हमने सॉल्व किया है, ये वैल्यू भी ई देगी रिसेंटली क्योंकि ये सेम ही बात है, यहाँ पर ये हो या ये हो नो प्रॉब्लम, अपॉन ये वन रखा प्लस वन अपॉन इन्फाइनिटी, वन अपॉन इन्फाइनिटी होता है जीरो, तो ये रह गया वन प्लस जीरो वन, तो इट इज़ कमिंग ई स्क्वायर। तो ये आपके रिजल्ट्स हो गए, आपने देखा ई स्क्वायर ये था उससे पहले वाला रिजल्ट, और जो सेकंड था वो इसी थर्ड में आ गया। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन क्वेश्चंस को सुना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आप अब आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर होगी कि आपने इन दो वीडियोज़ में सीक्वेंस की जो कंसेप्ट है उसको ईजिली सीख लिया और मैं कुछ आपको सिखा पाया। जिस तरीके से भी जैसा भी आपको फील हुआ वो आप बताइएगा। इम्प्रूवमेंट के लिए यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं आप कि मैंने ये वीडियो देखी है, यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फाइनाइट सीरीज़ ज़रूर पढ़ेंगे, अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा है, अब हम सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। मैं यहीं पर आपको बता दूं कि सीक्वेंस और सीरीज़ में कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले तो हमें ये दिक्कत रहती है कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, क्या ये दोनों एक ही बात है। तो मैं आपको इस टर्म को या इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए मुझे विराम दीजिएगा। थैंक यू।